गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सुबह के बजे हैं 10 और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा। तो गाइस, मेरा आज भी व्रत है और आज है चतुर्दशी का व्रत। तो मैं चतुर्दशी के दिन ना बाद में ऐसा काम नहीं करती कपड़े वपड़े धोने का। वैसे मैं मंडे को भी पहले ही कर लेती हूँ, तो आज अक्सर ध्यान दे के मैं पहले कर लेती हूँ। तो मैंने सुबह से कपड़े वगैरह झाड़ू पोछा सब कर लिया है और उसके बाद अब मैंने पूजा भी हो चुकी है, पूजा कर ली है मैंने, तो इसलिए मैं लेट हो गई थोड़ा। और आज पहन रखी है, देखना, मैंने साड़ी पहन रखी है मैंने। और सुबह पहले बच्चों को स्कूल भेजा मैंने और शगुन तो गई भी नहीं आज, इसको थोड़ा सा कोई तबीयत खराब हो रही थी इसकी, और तो राज गया है स्कूल। फिर उसके जाने के बाद ही मैंने सारा काम शुरू किया। तो देखना कैसी लग रही है मेरी साड़ी आज, कमेंट करके बताना। तो अब मैंने चाय वगैरह नहीं पी है, अब मैं चाय बनाती हूँ, चाय पी लेती हूँ पहले, तो उसके बाद फिर थोड़ा सिलाई का काम करना है वो करूँगी। तो गाइस देखना, मैंने शगुन को बोला था चाय बनाने के लिए और शगुन ने चाय तो क्या पिलाई मेरे को और काम बढ़ा दिया मेरा। देखना ये पूरा फायरिंग जला दिया है और चाय रख के गई होगी और अपना लग गई फोन पे और मुझे भी ध्यान नहीं आया इसने चाय रखी होगी करके। मैंने सोचा नहीं रखी होगी, तो बाद में जब मैं कह रही हूँ उसको तो फोन पे लगी रहेगी, तब एकदम भाग के आ रही है और पतीले का ये हाल कर दिया। अब पता नहीं साफ होता है नहीं होता है, इतना इसने कर रखा है। अब मैं कोशिश करती हूँ जरा, तो मैंने कर दिया है ये साफ, पर इसमें स्क्रैच आ गया है। ये मैंने लोहे के उससे किया था, लोहे की जूने से, तो इसमें स्क्रैच आ गए हैं। और मैं लोहे की जूने से धोती नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक कढ़ाई धोती हूँ और किसी को भी नहीं धोती मैं ऐसे स्टील के बर्तनों को, क्योंकि ऐसे स्क्रैच आ जाते हैं ना फिर अच्छे नहीं लगते। अब ये मजबूरी में मेरे को धोना पड़ा तो अब ऐसा हो गया ये। अब देखते हैं धीरे धीरे हटेंगे तो, पर साफ हो गया जो भी है। तो गाइस दिन के बज गए हैं 4 और राज आ चुका है, मैं राज के लिए बना रही हूँ, राज शगुन दोनों के लिए बना रही हूँ, मतलब मैगी, क्योंकि इनने लंच मार यही है इनका। और मैंने कहा रोटी बनाओ तो रोटी बना कर रहे हैं, बच्चों को तो यही ज़्यादा पसंद होता है और मेरा तो फास्ट है आज। तो मैं अपने लिए करती हूँ दूध गर्म और इन लोगों के लिए मैगी बना रही हूँ। और मैगी भी मैं ऐसे ही नॉर्मल से बना ली, बिना प्याज उसके, नहीं तो प्याज डाल के बनाते थे ना, आज तो मैंने ऐसी बना ली है, थोड़ा सा थोड़ा घी वगैरह डाल के ऐसी बना, सिंपल सी। शगुन को तो हमारी अभी भी भूख लगी है, 4 बज गए हैं और राज को पूछा मैंने, वो कह रहा हाँ बना दो, और शगुन अभी भी कोई मतलब नहीं है उसको भी भूख लगी है। उसने सुबह 11 बजे किया था नाश्ता, कर ले करके उसने नाश्ते में, मैंने नमकीन पराठे बना रखे थे स्कूल के लिए, तो वो पराठे खाए उसने, फिर 2 पराठे बना रखे थे छोटे छोटे मैंने, और वो क्या कहते हैं मैंगो शेक वो पी लिया बस, उसका हो गया। उसको पूरा दिन भी ना मिले ना तो उससे ये नहीं लगेगा। तो मैगी सूप वाले बनानी है, वैसे बनाओ राज मैगी सूप वाली चाहिए मैगी नहीं, फिर ड्राई सूखी हुई है, इप्पी बोलते हैं इसको, गांव जाने आ रहे हैं। और गांव क्या लगे, राज ने अभी अपनी दादी से बात की और दादी थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं बच्चों से बात करते करते, तो अब इसको तब से ये हो रहा है बस मैं अपनी दादी के पास कब जाऊँ, कह रहा मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी लेके गांव जाना है। तो तू अकेले भी तो नहीं जा सकता ना, चले जाऊंगा अकेले, चले जाएगा थोड़ी में, जा फिर छोटा सा बैग लेके चले जाऊंगा, जा बैग तो छोटा ले जा, बड़ा ले जा, ले जाना गाड़ी नहीं है वो बैग तो। तो कपड़े तो मेरे होंगे ना, उठाना तो मुझे पड़ेगा ना जाने के बाद, तो वहाँ जाके उठाना पड़ेगा, पापा के साथ चले जाऊंगा, पापा भी चले जाऊंगे।
अब हमारे भांजे की शादी है तो उसमें आना ही है। दादी ने तो तो गाइस रात के बच गए हैं 8 और अब मैं खाना बनाना शुरू कर रही हूँ। तो खाने में मैं आज क्या बना रही हूँ दिखाती हूँ आपको। तो आज व्रत है तो व्रत का ही खाना बन रहा है, मतलब मैं नॉर्मल ये बना रही हूँ। मैंने तिल में से भिगो दिए हैं चने और आलू चने की सब्जी बना रही हूँ और टमाटर और हरी मिर्ची काट रखी है मैंने इसमें। ये रख दिया तेल गरम करने के लिए, तेल भी गरम हो चुका है। इसमें जीरे का तड़का लगाऊंगी अब और नॉर्मल सब्जी बना दूंगी ऐसी। खाना रेडी है, ये बना रखा है मैंने दूध और आटे का प्रसाद, इसको लापसी बोलते हैं। ये देखना ऐसा और है ये, और बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। मैं व्रत के दिन सूजी को छोड़ के कई दिन इसी को बना देती हूँ, सूजी का हलवा नहीं बनाती। ये बच्चों को बहुत पसंद है, शगुन तो बहुत ही पसंद करती है इसको, तो मैं उनकी पसंद की चीज़ बना देती हूँ। और ये रहे आलू और क्या कहते हैं आलू और चने की सब्जी तरी वाली, और इसमें अब मैं धनिया पत्ती ऐड कर दूँगी। तो गाइस अब रोटियाँ भी बना ही ली हैं मैंने, तो खाना खा लेते हैं अब। तो गाइस ये रही आज का डिनर की थाली, और मैं इसके साथ आप दही भी खा सकते हो, दही भी टेस्टी होती है ऐसे सब्जी के साथ। और खीरे भी काट रखे हैं मैंने, तो इसके साथ दही ला रखे हैं हम, तो ये देखना हम दही खाएंगे इसके साथ। तो गाइस अब करते हैं डिनर। तो यहाँ पे आ रखी है बिल्ली हमारे घर पे, और मैंने इसको रोटी दी दूध के साथ तो ये खा नहीं रही है। अब राज दे रहा है इसको दूध, प्योर दूध, वो भी नहीं पिएगी है। जा दियो, म्याऊं म्याऊं कर रही है, पीती तो है नहीं तो खा। तो गाइस घर पे बिल्ली आ रखी है, ये रोज ही आती है, मतलब मैं आज 4-5 दिन के बाद आ रही है। रात खुशी की खातिरदारी में लगा हुआ है, जहाँ वो बैठ रही है वहाँ दूध लेके जा रहा है, वो वहीं से उठ के चली जा रही है, वो दूध से परेशान हो रही है शायद। ये कह रहा है इसने शायद जब से यहाँ से गई है पर बहुत दिनों से पिया नहीं है, भूल गई मैंने दूध क्या है। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है और खाना बन गया था टाइम से, मेरा तो बंद था। और बच्चों ने आज दिन में मैगी खाई थी तो इन लोगों को भी भूख लग गई थी, तो हमने टाइम से बना के खा लिया खाना। हमने 8:30 बजे का तो खा लिया था, अभी हो गए हैं 9:30। तो गाइस आज बच्चों ने दिन में दादी से बात की, तो तब से इन लोगों को ना दादी की धुन लगी हुई है, कह रहे हैं हम गांव जा रहे हैं और 1 हफ्ते की छुट्टी में छुट्टी करा दो। मैंने कहा अब तो छुट्टी होने वाली है, तो अगले महीने छुट्टी होएंगे ना फिर हम गांव जाएंगे। हम हर बार जाते हैं, मतलब मैं इस बार भी जाएंगे, इस बार तो बल्कि वही यहाँ पे आएंगे पहले, क्योंकि मेरी भांजी की शादी है तो शादी में आएंगे वो। ठीक है फिर पीने दो। तो गाइस मैं वीडियो को भी करूँगी एंड, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो कल भी बोलूँगी आप लोगों को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।